तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो ये है पोकेमॉन डायमंड का थर्ड पार्ट। हाँ, ये है पोकेमॉन डायमंड का थर्ड पार्ट। तो हमने पहले के पार्ट में देखा था कि मेरे पास आ गया था हमारा पहला जिम बैच। अब इस पार्ट में हमें जाना है दूसरे जिम को ढूंढने। तो हाँ, मैंने देखा था कि पिछली वीडियो में गेम का साउंड आ रहा था, इसलिए मेरी वॉइस थोड़ा सा कम आ रही थी, इसलिए अभी मैंने गेम का साउंड बंद कर दिया है। और कुछ भी हो तो मुझे पता नहीं, मेरे वीडियोस की ना ऑटोमेटिकली कमेंट सेक्शन ना बंद हो जा रहा है। मैंने कोई सेक्शन मतलब उसमें कोई सेटिंग्स नहीं की है। आप लोगों को जो भी होगा ना, आप मेरे जो वीडियोस हैं जो जिनका कमेंट सेक्शन ऑन है, आप उन पे उन वीडियोस पे आप कमेंट कर सकते हो इस वीडियो के। ओके, तो अब हम लोग गेम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे फास्ट फॉरवर्ड ऑन कर देती हूँ। तो आई थिंक सो ना, हम लोग को यहाँ से ही कुछ करना है। तो देखते हैं, पूरा एक्सप्लोर करते हैं। और हाँ, मैंने रिपेल्स खरीदे थे। ये जिम था जिसको हमने डिफीट ऑलरेडी कर दिया है। एंड अब लेट्स गो फर्स्ट इन दिस, क्योंकि ये मुझे कोई नहीं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। ये म्यूजियम है। एंड देखो, हम लोगों को ना इस लड़के से शायद बात कर लेनी चाहिए। बाइक तो हो गए। ओके, हम लोगों को दूसरी सिटी में जाना है अब। और हाउ कैन वी गो इन दैट सिटी? हम लोगों को शायद इसी केव से जाना। ओके, बैरी। ओके ओके, नेक्स्ट बार बैरी भी वही बोल रहा है। बट ओके ओके, आई एम गोइंग बैक टू जुबिलाई सिटी। नेक्स्ट स्टॉप द सिटी जिम बैच। 10 सेकेंड बिफोर आई डैश नाइन। ओके है, तो लगता है हम लोग को जुबिलाई सिटी वापस जाना है। एंड उधर रास्ता है। उधर रास्ता है शायद से दूसरी सिटी तक जाने का। बीडफ ओके, जुबिलाई सिटी हम लोग आ गए हैं उधर से। ओके ओके ओके, टीम गैलेक्टिक। ओके ओके, हम लोग को बैटल करनी है अभी इन लोग के साथ। एक एक पोकेमॉन है, हो जाएगा। ओके, जुबैट एंड वर्मपल। वर्मपल सबसे पहले हम लोग वर्मपल के अटैक, मतलब वर्मपल के ऊपर अटैक करते हैं। ओके, वर्मपल गया। और अब जुबैट। ओके, इसने पीच। ओके, मुझे लगता है हमें जुबैट के ऊपर भी एम्बर ही करना चाहिए। यस, एम्बर ही करना था। ओके ओके, तो वी शैल लीव नाउ। ओके ओके, ये लोग अभी बात कर रहे हैं। ओके ठीक है। ओके प्रोफेसर, हम लोगों के जो प्रोफेसर है, ये पोकेमॉन के इवोल्यूशन पे स्टडी करते हैं, ये वो बता रहा है। ओके ये कौन है?
को फैशन केस मिला है। ओके, मुझे लगता है अभी फैशन इसको टीवी को विजिट करना है कुछ, आई थिंक सो। यहाँ पे मैं एक सेकेंड, ये कौन सा एरिया है? उनसे बात करके देखते हैं। ओके, तो हम लोग कहाँ पे आ गए? ड्रेसिंग एरिया जैसा कुछ चाहिए, आई डोंट नो हम लोग को क्या करना है यहाँ पर। मतलब ये टाइम पास था। ओके, क्या हो रहा है ये? ओके, तो मैंने कुछ भी करके यहाँ से बाहर निकल गई हूँ, ये भी वेस्ट ऑफ टाइम था। यहाँ पे देखते थे, ये लिफ्ट है ऊपर जाते हैं डायरेक्टली। यहाँ पर बहुत सारे रूम्स हैं, तो इधर भी कुछ भी नहीं है शायद से। बाहर चलते हैं। जूबी लाइट सिटी में फिर हमें कहाँ जाना है? ओके, शायद से देखो, हम लोग, आपको याद है हम लोग एक बार जूबी लाइट सिटी के एक जगह गए थे, उधर हमें बोला था, एक सेकंड मैं आपको जाके ही दिखाती हूँ। यहाँ पे था वो कहीं, यहाँ पे था, ये देखो, ये लड़की हमें बोल रही थी कि हम यहाँ पे तभी जा सकते जब हमने कोई बैच ऑन किया हो। तो अब यहाँ पे जाके देखते हैं, यहाँ पे भी कुछ भी नहीं है। फायर ऑब्वियसली, यार ये कुछ भी नहीं था। और कोई जगह है यहाँ पे जो जगह भी हम लोग कर सकते एक्सप्लोर? हम लोग को अगली जगह ढूंढनी है, राइट? सो यहाँ पर जाकर देखते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पे गई नहीं हूँ बहुत टाइम, मतलब यहाँ पे कभी नहीं आई हूँ। तो बैटल, एम बार नहीं करना था। ओके, लेट इट बी। ओके, यहाँ पे जगह है, यहाँ पे है। इसके बाद भी एक ही पोकेमॉन है, वहाँ से जगह है जाने की, मैंने देखा। लेट्स गो, इनको जल्दी से हराते हैं, जाते हैं उधर। ओके, या पाथ है कोई इस पाथ पे? ओके, तो आई थिंक सो, हमें जो रॉक स्मैश करके एक टीएम मिला था, उस टीएम को हमें यूज़ करना है। मैं
डिफेंस नहीं, मड स्पॉट तो पहले तो मैं इसे काट मतलब तोड़ के देती हूँ, यहाँ पे जो बैठ है नहीं कि मैं मेरा रिपेन यहाँ पे इसलिए नहीं लगा रही हूँ क्योंकि ये बहुत छोटी सी केव मुझे लग रही है और यहाँ पे उतना कुछ होने नहीं वाला, इसलिए मैं मेरा रिपेन क्यों वेस्ट करूँ। ठीक है ओके ओके रॉक टोन टी एम मिला हम लोग को, यहाँ पे टी एम ही था मतलब बस। एंड हाँ अब चलते हैं यहाँ से बाहर। ओके एक और केव में बस जूबैट मिल गया, एक और पता था मुझे केव में ज़्यादातर सिर्फ और सिर्फ जूबैट ही रहता है और कोई भी पोकेमॉन मुश्किल से। ओके 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 हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। ठीक है अब इसके आगे ही जाना है, सबसे पहले बैटल ओके इजी है बैटल ये। पेंट हो गया ओके ग्रास टाइप का तो ईजी ही होगा, इसके दोनों पोकेमॉन ग्रास टाइप थे। 17 लेवल हो गया है मॉन्टफॉर्मा का, नाइस। तो ये कॉक क्या है अवेकिंग, ज़्यादा भी नहीं ओके ओके पोकेमॉन बैटल। ये बर्ब है तो उसके लिए भी ऑब्वियसली मतलब मैं इस पे तो कोई भी अटैक करूँ ना मैं वो अफेक्टिव हो जाएगा ज़्यादा, तो अगर मुझे एम्बो वेस्ट नहीं करना है तो वर्मपोल के ऊपर अभी के लिए तो मैं सेकेंड मैंने फ्यूरी स्वाइप किया। देखो मैंने यही आपको बताया था पिछले वीडियो में कि फ्यूरी स्वाइप 2 बार काम होता है। ओह माय गॉड पॉइजन लग गया, अरे ओके वर्मपोल इज गॉन। अभी हमें बैटल नहीं करना है जब तक ये पॉइजन हट ना जाए, देखते हैं एक बार हमारे पास पॉइजन का हील है कि नहीं। एंटीडोट ओके पॉइजन का हील है एंटीडोट बस ओके। मुझे लगता है ये लड़कियां अभी बैटल करेंगी पक्का, इसलिए मैं यहाँ से साइड से चल जाती हूँ। एंड यहाँ पे क्या है बुलेट सीड अटैक ओके नाइस, बुलेट सीड भी अच्छा ही है ओके ओके। मैं स्टार्टी नहीं चाहिए ओके हम लोग इस टाउन हम लोग दूसरे टाउन को आ गए हैं। अब क्या करना है ओके तीन गैलेक्टिक, पहले मैं बाद में जाता हूँ तीन गैलेक्टिक के पास, पहले मैं ज़रा इधर देख लेती हूँ क्या है ओके फिर चुनो के लिए प्लीज ओके ओके। टीम गैलेक्टिक ने ना ये देखो इसको पूरा चोक करके मतलब ये कोई भी जाने नहीं दे रहा है टीम गैलेक्टिक वाले अब इससे बात करते हैं ओके पार्टी में ओके। अब ठीक है हम लोगों को इसके ओके ग्लैम में आओ, ग्लैम में आओ के ऊपर आई थिंक सो मैक पंच इलेक्ट्रिक टाइप है ग्लैम में आओ ओके ठीक है। एंड
कर ओके ओके, इसने कहा है कि इसके पास जो की है फाइल इसकी, वो हमें नहीं देगा की, तो शायद इसने लॉक कर दिया है। अब जब ट्राई करने का कोई फ़ायदा नहीं है, हम लोग डायरेक्ट ओके नहीं, यहाँ से तो नहीं जा सकते, यहाँ से टीम गैलेक्टिक है। तो अब हमें कहाँ जाना है, उन टीम गैलेक्टिक से बात करके देखते क्या बोल रहे हैं लोग। टीम गैलेक्टिक का रिसर्च और दिस इज सो फार एज यू कैन गो अब रिसर्च ओके 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 ओके। मुझे लगता है ना, मैं जब तक इन लोगों को, ये जो ये अंदर है ना, उसको हराना दूँ अंदर जाके, तब तक ये ओके ओके तो ये लोग उस रास्ते से हटेंगे नहीं। और अब ये वाले लोग यहाँ से चले गए हैं ओके। स्वीट हनी, यहाँ पे हनी की बात ओके, हनी अट्रैक्ट्स पोकेमॉन। यहाँ पे हमें इनसे फाइट करनी है, लेट्स फाइट वर्म पर ले आ, इजी है। एक एक उसमें जाएंगे ये लोग, एक एक अटैक में। स्लीपून का इवॉल्व होता है ब्यूटीफ्लाई, मुझसे किसी ने पूछा। ओके दिस इज फॉर लेन दे आर गोइंग ओके। अब ये दूसरा हमसे बैटल करेगा, इसके पास एक है जू बैट एम्बर ही, देखो एम्बर बहुत लीव ही, अच्छा इट्स लाइफ ओके गो जू बैट फेंटेड ओके। 11 मोरफनो का लेवल 18 हो गया, नाइस दैट इज नाइस ओके। फॉरगॉटन हियर द बॉक्स की, इट मस्ट बी फॉर द वैली विंड बॉक्स ओके। तो ये कीज जो वो जो वर्क मतलब विंड वर्क था, जो तीन गैलेक्टिक के एक ग्रंट ने उसे लॉक कर लिया था, तो उसकी चाबी हमें इन ग्रंट्स ने प्रोवाइड कर दी। अब टिन बॉक्स की ओके ओके, हम लोग इसने हमें हनी भी दे दिया है, और जैसे पहले बोला ओके हनी माइज भी अट्रैक्ट पोकेमॉन ठीक है। अभी मुझे लगता है अभी हम लोग को जाना है इसको खोल देते हैं इसको ओके। ये ओपन हो गया ओके ओके। अभी अपने कमांडर के पास जा रहा है ओके फोलिंग के ओके। हम लोग को इससे भी बैटल करना है, कैस्कून कैस्कून इज ईजी ओके ठीक है। हम लोगों ने इसे बैटल कर लिया है, मुझे इस ग्रंथ से बैटल नहीं करना ओके ठीक है। ये कौन है माँ ओके, थ्री कमांडर्स में से ये एक है, तीन गैलेक्टिक की। अब हमें इसे हराना है, जो बैट है जो बैट, तीन गैलेक्टिक के पास गोल बैट या जो बैट तो रहता ही, ये नॉर्मल है तीन गैलेक्टिक का। अब मैं इसके ऊपर एम्बर करूँगी, गॉन ओके। परगली
एडिशन पावर करके देखते हैं, पर अभी मैं स्क्रैच हुआ है। ओके, ज़्यादा भी अफेक्ट नहीं हुआ इसको, हमें भी ज़्यादा अफेक्ट नहीं हुआ एम्बो। ओके, ज़्यादा भी कुछ अफेक्ट नहीं हो रहा है इसको, पर अगली को। ओके, अब ओके पोशन यूज़ कर रहा है, और नहीं पोशन नहीं, ऑरेंज बेरी। ओके, हमें बस एक अटैक करना है और पर अगली इज़ गॉन। ओके, पर अगली। ओके, हमने मार्स को हरा दिया है, टीम गैलेक्टिक की एक कमांडो को। ठीक है, तो अभी हमारे मॉनफर्नो का भी लेवल हो गया है 19, और इससे सीखनी है फ्लेम व्हील। ठीक है, आई थिंक सो मुझे करना पड़ेगा फ्यूरी स्वाइप्स की जगह फ्लेम व्हील। ओके, फ्लेम व्हील क्योंकि हमें ज़्यादा बेनिफिट देगा, आई थिंक सो। ओके, वो लोग सब की पूरी टीम गैलेक्टिक गायब हो गया थे। ओके, तो टीम गैलेक्टिक को एक नया यूनिवर्स बनाना है। नथिंग दे सेड मेक एनी सॉर्ट ऑफ सेंस टू मी, आई गेट यू हाउ बिफोर आई फॉर सेविंग मी। ओके, माय डॉटर। अच्छा, तो ये लिटिल गर्ल इसकी डॉटर है, पापा थैंक यू ट्रेनर, यू ने दो बैड पीपल को अभी आई थिंक बलून पोकेमोन विल कम विजिटिंग अगेन। ओके, हु इज द बलून पोकेमोन नाउ। ठीक है, आप आई थिंक सो हम उस फॉरेस्ट में जा सकते हैं, एंड फिर अब हम उस फॉरेस्ट में जा सकते हैं। यह सब हम उस फॉरेस्ट में जा सकते हैं। ओके, हमें यहाँ से नहीं जाना है, हमें यहाँ से जाना है। चलो, नहीं जाना मतलब ऐसे नहीं पकड़ना, वैसे भी लेवल बहुत कम है तो। ओके, बेटर। और ये मेरा पोकेमॉन बहुत कम सीख रही है, जियोडूड को तो बस एक हिरन पावर से जियोडूड चले जाते हैं, राइट? यस, वन हिडन पावर नहीं। अरे, इसका बहुत कम है मेरे मॉनफर्नो का। ओके, ये जियोडूड को इस्तेमाल कर रहा है, मुझे लगता है मैं फिर से हिडन पावर ही करूँगी। अरे, डिफेंस कर। ओके ओके, आई हैव अ चांस, और मैं पोशन यूज़ कर देती हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहती कि ये फेंट हो जाए। ओके, डोंट वांट दैट, फ्लेम भी इसलिए जाता ही फेंट होता ही, चाहे मैं फ्लेम भी करती चाहे ना करती। मां चौंक, मेरे पास और कोई अटैक नहीं, मतलब मुझे नहीं लगता कि और कोई अटैक ज़्यादा काम आ सकता है मौजूद के लिए। ओके, लो के ज़्यादा मत जाना, मैक पंच मार्च ऑफ पेंटेड, बी डफ के ऊपर भी ऑब्वियसली। मैं क्या सोच रही हूँ ना, मैं अभी पोकेमॉन सेंटर जाती हूँ एंड फिर यहाँ पे वापस आते हैं, बिकॉज आई डोंट नो कि ये लोग कि कौन कौन लोग मेरे को बैटल करने के लिए मिलेंगे, इसलिए आई कैन टेक नो रिस्क आई थिंक सो। देखते हैं हमें और कितना जाना पड़ेगा एंड उसके हिसाब से फिर
मुझे लगता तो है कि आगे बहुत जाना है, इसलिए अभी के लिए थोड़ा सा जितना आगे मैं जा सकती हूँ बिना अपने क्या कहते हैं उसको, बिना किसी से बैटल करके। ओके, यहाँ पे ही मैं चली जाती हूँ बिना। ओके, ठीक है। इसने कहा है कि हमें इससे डर लग रहा है क्योंकि टीम गैलेक्टिक नाम के कुछ लोग, कुछ बुरे लोग वी कैन से, वो इधर हैं। दैट्स व्हाई इसे डर लग रहा है, इसलिए ये हमारे साथ जाना चाहेगी। ठीक है, चलेगा। हमारे पास कट TN है क्या? नहीं होगा। गो योर, ठीक है, हमें इससे बैटर करना है, इन दोनों से इम्पैक्ट। मुझे सच में नहीं पता कि मेरे मौत करने का उठता ही रहेगा कि नहीं। पाची रिसु एंड मोबल, हाँ, मेरे मॉनफर्नो को उतनी ही हेल्थ है, बड़ी नहीं है। इसने तो कहा था कि इट विल टेक केयर। ओके, मेरा मॉनफर्नो लिटरली गया, मेरा मॉनफर्नो चला जा रहा था, पेंट हो जाएगा अगर यही हुआ तो। और ये लोग मेरे मॉनफर्नो के ऊपर, ये लोग भी ना, और ये लोग मेरे मॉनफर्नो के ऊपर अटैक कर रहे हैं। वाओ, कैसे तो करके ना, सब लोग मेरे पोकेमॉन के ऊपर क्या, मेरा मैं गई, मेरे को मॉनफर्नो को हील कर देना चाहिए था। मेरे को रास्ता दिख गया ना, इसलिए मेरे को लगा कोई फाइटिंग वाइटिंग नहीं होगा, पर मैं क्या करूँ, गलत थी। दिखना कि इसने मेरा ही लिया होगा, वेरी गुड, सब लोग मेरे को ही वो बना रहे टारगेट। छोड़ो, मुझे लगता है कि शायद से हमें फिर से नर्स रॉय के पास नहीं जाना पड़ेगा, यही लड़की हमें ठीक कर देगी, आई थिंक सो। क्योंकि इसने कहा था इट विल, आई विल टेक केयर ऑफ योर, ये क्या हो गया, पोकेमॉन सेंटर में आना ही पड़ा। एक सेकेंड, मैं डर रही इसके पोकेमॉन के तो ना, हाँ ये अच्छी बात नहीं है, तो चलते हैं फिर उधर। अब क्या करना है, जुबिलाइट सिटी, पोकेमॉन गेट अवे, मेरा डिटेल ख़त्म हो गया फिर शायद, अगर पोकेमॉन आ रहे हैं तो। इन लड़कियों से नो बैटलिंग, डायरेक्ट यहाँ से करते हैं तो। अरे यार, बैटल बैटल बैटल,
अच्छा रिम्बा कमज़ोर है, ठीक है ओके। ऊपर ठीक है अभी कैसे जाते हैं चलते हैं ठीक है। तो इस लड़की को हम लोग मदद करेंगे अगली वीडियो में। इस लड़की की हम लोग भी मदद करेंगे अगली वीडियो में। तो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब।